नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे में और माई पाठशाला में। तो हाल फिलहाल लेकर आ गए हम आपके करंट अफेयर्स और रोज सुबह ये करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं मंगलवार से लेकर रविवार तक। सोमवार तक हम छुट्टी रखते हैं, उस दिन हम करंट अफेयर्स नहीं करते। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने हाथों से लाइक भी कर दीजिएगा। तो हाल फिलहाल शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय तीनों सेनाओं की बात की जाए तो भारतीय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसने मरीच नाम का एक टॉर्पीडो सिस्टम लॉन्च किया है या डिप्लॉय किया है। अब टॉर्पीडो की बात छिड़ी है तो आप सभी को पता है कि टॉर्पीडो हवा में तो चलता नहीं है, टॉर्पीडो आपका पानी में ही चलेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन तो वैसे आउट हो चुका है लेकिन इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। एक नई जानकारी आ रही है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उन्होंने CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के आधार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जैसा ही एक सुरक्षा बल अपने उत्तर प्रदेश में बनाने की बात की है। और इस उत्तर प्रदेश बल की जो सुरक्षा बल है इसकी सबसे पहले 5 बटालियन बनाई जाएंगी ताकि जो सुरक्षा का स्तर है उत्तर प्रदेश का उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। खासकर इनकी जो सुरक्षा का स्तर होगा यानी कि जो सुरक्षा बल बनाया जा रहा है उसका डिप्लॉयमेंट आपका कोर्ट में होगा यानी कि कचहरी, कोर्ट कचहरी में होगा और जो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हैं वहां पर होगा। आइए न्यूज की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और DGP हितेश चंद्र अवस्थी को इस बल के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है जिसकी विशेष जिम्मेदारियां भी होंगी। इसका प्रशिक्षण भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थान, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ साथ जनपदीय न्यायालयों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित बल की आवश्यकता है और इनको पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक में बताया कि पहले चरण में इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी जी ने जल्द ही इसके लिए प्रारूप तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है यानी कि इस तरह का सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा। हाल फिलहाल बात करें तो उत्तर प्रदेश किन कारणों से चर्चा में रहा। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है वो कुशीनगर में खोली जाने वाली है और अभी हाल ही में मथुरा में हाथियों के लिए एक अस्पताल यानी कि पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है वहां पर मथुरा में। इसके अलावा अगर हम यूपी की बात करें तो 11वां डिफेंस एक्सपो भी आपको यूपी में ही देखने को मिला था, लखनऊ में। और अभी हाल फिलहाल बात करें तो भूजल संरक्षण विधेयक जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री किसान कृषक बीमा योजना जो है ये भी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च की है। प्रभु की रसोई नामक एक योजना है जिसमें सस्ते दामों पर खाना उपलब्ध कराया जाता है, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। गौपालक संवर्धक योजना है जिसमें जो गौपालक होंगे यानी कि जो आवारा पशु गोवंश के पशुओं को पालेंगे उनको 900 रुपए का सहायता देने की भी योजना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से सांसद हैं और आपके जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में जैसी बातचीत हो रही थी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो वर्तमान समय में हेड हैं वो है राजेश रंजन, IPS ऑफिसर हैं। इसकी स्थापना जो है वो नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है और CISF की स्थापना 1969 में की गई थी और देश के प्रसिद्ध जो भी विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज की रहती है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, आपको केरला ले चलते हैं, उत्तर प्रदेश से सीधे केरला। केरला की एक स्वास्थ्य मंत्री है, उनका नाम है KK शैलजा। इनको अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित करने का जो मेन रीजन रहा कि केरला में अगर आप देखें, आपको याद हो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि जो देश में पहला कोरोना वायरस केस आया था वो कहां से था, केरला से था। फिर बाद में काफी तेजी से मामले भी बढ़े और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अब सबसे स्टेबल तरीके से अगर कोई राज्य बिहेव कर पा रहा है तो वो केरला है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोरोना की जो रोकथाम है वो अच्छे तरीके से की गई और इसी कारणवश KK शैलजा जी को संयुक्त राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए राज्य के भीतर कम मृत्यु दर बनाए रखने के लिए शैलजा की प्रशंसा की गई है, जिससे कोरोना वायरस शुरू होते ही उन्होंने कई सारे मेजर स्टेप लिए। केरल जिसमें भारत के पहले कोरोना वायरस मामले को दर्ज किया था वक्र को समतल करने में सफल रहा, मतलब कि अब यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, यहां पर बिल्कुल सस्टेन है, मतलब कि जो मामले हैं वो धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं।
कोविड 19 ट्रांसमिशन पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर बोलने के लिए शैलजा देश की एकमात्र स्पीकर थी। वह संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित हुई थी और दुनिया भर के कई नेताओं में से एक भी थी। अब बात करते हैं केरला की, तो केरला की के शैलजा स्वास्थ्य मंत्री, उनको संयुक्त राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण में रखा। पहला स्टेट है जिसने NTCAA यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ एक बिल पारित किया था और इसका समर्थन के विरोध में समर्थन जताया था कि भाई हम इसको अपने यहां राज्य में लागू नहीं करना चाहते हैं, तो यह पहला स्टेट था। इसके अलावा केरेरा नाम की एक योजना लॉन्च की गई थी, एक नियामक बनाया गया है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में केरला में पारदर्शिता लाई जा सके। केरेरा का फुल फॉर्म है केरला रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। EIU सर्वे यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे में यह पता चला कि जो केरल है वो विश्व के 10 सबसे तेजी से बढ़ने शहरीकरण के मामले में 10 सबसे विश्व के 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरीकरण के मामले में राज्यों में तीसरे नंबर पर आया है, जबकि इसका जो मलापुरम जो है ये टॉप किया है इस लिस्ट में। इसका मतलब यह है कितनी तेजी से गांव जो है वो शहरों में तब्दील हो रहे हैं, कितनी तेजी से वहां पे शहरीकरण हो रहा है। तो इन सब मामलों में विश्व के 10 सबसे तेज प्रगति करने वाले राज्यों में केरला जो है वो तीसरे नंबर पर है। जर्नलिस्ट और द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन एन राम को अभी हाल ही में केरला के नेशनल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का ये जो 22वां संस्करण था ये केरला के कोची में देखने को मिला। थीम रही ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। केरला के बजट 2020 में यह घोषणा की गई कि 1000 कुदुमश्री होटलों को खोला जाएगा ताकि 25 रुपए में लोगों को भोजन दिया जा सके। केरला के सीएम ने अभी हाल ही में योधाबू नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था ताकि जो ड्रग बेचने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा इसका लड़ाई की जा सके और वो मतलब एक तरह से उनको रोकने के लिए ड्रग मिनैक यानी कि जो ड्रग्स बेचते हैं आप समझ सकते हैं ना, मतलब नशीले पदार्थ बेचते हैं, उनको रोकने के लिए योधाबू नाम का एक ऐप शुरू किया गया। सीनियर ऑफिस IAS ऑफिसर विश्वास मेहता जी हैं, उन्हें न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है केरला से। मुख्य सचिव से याद आया, किसी ने पूछा था सर राज्य में मुख्य सचिव का काम क्या होता है, तो देखिए राज्य में कई सारे आपके IAS ऑफिसर होते हैं, DM होते हैं, तो उनका पूरा का जो रिपोर्टिंग होता है, उनका जो पूरा अपॉइंटमेंट होता है, उनका जो पूरा लेखा जोखा होता है वो पूरा मुख्य सचिव ही करते हैं। तो हाल फिलहाल ये जो है ये IAS ऑफिसर ये भी होते हैं, लेकिन जब IAS ऑफिसर प्रमोट होते होते मुख्य सचिव बनता है। तो विश्वास मेहता जी जो है उन्हें न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया केरला का, और विनी जैन इनको अभी हाल में पंजाब का मुख्य सचिव बनाया गया है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल सिटी है तिरुवनंतपुरम यानी कि राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन है जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे माकपा भी कहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। स्टेट एनिमल है भारतीय हाथी। स्टेट बर्ड यानी कि राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल। स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट हो गया। स्टेट फ्लावर है गोल्डन सॉवर ट्री, और जो स्टेट ट्री है यानी कि पेड़ है वो वृक्ष है वो कोकोनट है। लोकसभा में आपको केरला से 20 सीटें देखने को मिलेंगी जबकि राज्यसभा में आपको 9 सीटें देखने को मिलेंगी केरला से। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है 36वीं एशियान समिट हुई, इसकी अध्यक्षता वियतनाम ने की है और ये एशियान समिट जो है ये वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संपन्न की गई है। हाल ही में 36वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड 19 महामारी प्रतिक्रिया, पोस्ट महामारी रिकवरी और साथी देशों के साथ सहयोग पर केंद्रित था। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहा वो ये रहा कि चीन का जो दक्षिणी चीन सागर में बार बार वो प्रभुत्व स्थापित करने की घोषणा करते हैं, उनका कहना है कि 60% जो दक्षिण चीन सागर है वो चीन का है क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार हैं। ऐसे में चीन सहित विश्व के सभी देशों की नजर दक्षिण चीन सागर पर है। तो यहां पर यह मुद्दा भी छाया रहा क्योंकि अभी हाल ही में वियतनाम के एक मछुआरे वाली जो बोट थी उसको चीनी सैनिकों ने समुद्र में डुबा दिया था। तो अप्रैल 2020 में चीन द्वारा विवादित दक्षिण चीन सागर में पैरासेल आइलैंड के पास वियतनाम के एक मछली पकड़ने वाले पोत को डुबो दिया गया था। यह मुद्दा भी यहां पर चर्चा किया गया। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम में की थी। हर साल इसमें एक सदस्य जो होता है वो अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। इस साल वियतनाम है, पिछले बार थाईलैंड था। दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ती हुई असुरक्षा को लेकर ऑनलाइन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन के माध्यम से एकजुटता दिखाते हुए वियतनाम और फिलीपींस ने चीन को कहा कि कोविड 19 के संकट के दौरान कोई भी देश
दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा न दे। इस क्षेत्र में विवाद का मुख्य कारण समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है और यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। आसियान देशों की बात करें तो ये आसियान जो है ये दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश समूह में शामिल है। भारत इस समूह में नहीं है। और अगर आप वियतनाम की बात करें तो इसकी स्थापना, वियतनाम जो है ये आपका म्यांमार है, म्यांमार से थोड़ा सा नीचे आएंगे थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये आपका लाओस, लाओस के बगल में आपको यहाँ वियतनाम मिलेगा। वियतनाम की सीमा चाइना से भी टच करती है, दक्षिण चीन सागर से भी टच करती है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वर्तमान समय में वहां पर प्रेसिडेंट के तौर पर है ग्वेन फू ट्रोंग, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के तौर पर है ग्वेन जुआन फुक, और करेंसी चलती है वो डोंग होती है। लॉन्गेस्ट रिवर जो वियतनाम की है वो विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है जिसे मेकोंग कहा जाता है, 4,350 किलोमीटर तक बहती है। हाईएस्ट पीक जो है वो फैंसीपन है जो 3,141 मीटर ऊंची है। आसियान देशों की बात करें तो आसियान देशों का जो स्थापना हुई थी, इस संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। पहले इसकी स्थापना थाईलैंड बैंकॉक में की गई थी, बाद में इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में ट्रांसफर कर दिया और वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है, आसियान देशों का जो कार्य करने का संगठन का मुख्यालय है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। तो अभी हमने 36वीं समिति की बात की। अगली जानकारी है संस्कृति मंत्रालय ने प्रहलाद सिंह पटेल जो संस्कृति मंत्री हैं वर्तमान समय में, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अभी आह्वान किया कि भाई हम लोग चलिए संस्कृति पर्व मनाते, संस्कृत पर्व मनाते हैं। इसका मतलब ये है कि संकल्प पर्व, माफी चाहूंगा, संस्कृति पर्व मेरे मुंह से निकला था, संकल्प पर्व। 28 जून से लेके 12 जुलाई तक ये पर्व मनाया जाएगा और इसमें आह्वान किया गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, वो सभी जगह अपने अपने कार्यालय में या अपने कैंपस में वृक्ष लगाएंगे। कोशिश करें कि वो एक कम से कम वृक्ष लगाएं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वृक्ष लगाना चाहिए क्योंकि वृक्ष लगाने में नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही होना है। तो जो पौधा आप लगा सकते हो वो पौधा आप लगाओ। लेकिन उन्होंने इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 5 जड़ी बूटियों से संबंधित वृक्ष लगाने की बात की है। ये 5 वृक्ष हैं, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाएगा। इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 वृक्षों, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधि पौधों को महत्व देने की परंपरा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। तो संकल्प पर्व संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5 पेड़ों की बात की गई, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। अगली जानकारी की तरफ चले तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसको अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो केंद्रीय किसान, कृषि एवं किसान मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल शुभारंभ किया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का एक समग्र रोजगार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए हालात के कारण अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को आगामी 4 माह तक रोजगार उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल आम जनता को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के विभिन्न जिलावार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा 6 राज्यों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपए की व्यय निधि के साथ शुरू किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के इस अभियान के अंतर्गत कुल 6 राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा को शामिल किया गया है। यह 125 दिनों का अभियान है जिसे मिशन मोड में संचालित किया जाएगा ताकि 125 दिनों का कम से कम रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस दिन मैंने ये न्यूज आपको 20 जून को बताई थी उस दिन मैंने आपको बताया था कि आज प्रधानमंत्री जी बिहार के इस जिले से इस योजना का शुभारंभ करेंगे, गरीब कल्याण रोजगार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है अभियान। आपको बताना है वो किस जिले से इस योजना की शुभारंभ हुई है या किस जिले से ये अभियान का शुरुआत हुआ है। 20 जून को शुरू हुआ है ये आपको पता है, बिहार में शुरू हुआ है ये मैंने बता दिया है। अब आपको याद करना होगा कि किस जिले से शुरू हुआ। उस दिन मैंने बहुत बार इसको पॉइंट आउट किया था कि ये इस जिले से शुरू हुआ है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी, अब बात आ गई जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। भारतीय नौसेना ने 26 जून को एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को शामिल किया है।
इसका नाम मारीच रखा गया। टारपीडो क्या होता है? टारपीडो एक बेलनाकार मिसाइल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो पानी में चल सकता है। पानी में आप मिसाइल की तरह हमला कर सकते हो, जो सबमरीन वगैरह होती है उनको उड़ाने के काम आता है। तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है। आप इसमें टारपीडो लॉन्च भी कर सकते हैं, कोई टारपीडो आ रहा होगा तो आप उससे बच भी सकते हैं। इसीलिए इसको पूरा कंप्लीट सिस्टम बोला गया है, डेकॉय सिस्टम बोला गया है। मरीच का विकास जो है ये स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी से किया गया है, या सरकार की मेक इन इंडिया पहल और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को भी व्यक्त करता है। यह टारपीडो युद्ध पोतों और जहाजों के सभी मोर्चों से गोला दागने में सक्षम है। यह एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम को नौसेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा मिलकर बनाया गया है। डीआरडीओ के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। नौसेना के हमारे वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। इस डिकाय सिस्टम का उत्पादन कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो मारीच क्या है? एक एंटी टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम। इसे लॉन्च भी किया जा सकता है और इसे बचा भी जा सकता है। मतलब कोई टॉरपीडो अगर हमारी सबमरीन की तरफ लॉन्च किया जाएगा या जहाज की तरफ लॉन्च किया जाएगा तो उसे ये रोक भी सकेगा। तो हाल फिलहाल इसे डेवलप करेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। करीब एक दशक से जब इथोपिया ने नील नदी पर एक डैम का निर्माण शुरू किया था, रेंसा डैम बोला जाता है इसे, इस डैम के निर्माण शुरू करते ही बहुत सारा बवाल शुरू हो गया। बवाल इसलिए शुरू हो गया कि मिस्र ने कहा कि नील नदी आपके पास पहले आती है, बाद में हमारे पास आती है, तो हमारा पानी कम हो जाएगा, हम पूरी तरह से उस पर निर्भर है। इथोपिया ने कहा कि अगर हम इससे बिजली नहीं बनाते हैं तो हमारे पास कोई इतनी बड़ी परियोजना वाला एक नदी नहीं है जिससे हम बिजली बना पाए, हमारी 65% आबादी जो है वो बिना बिजली के रह जाएगी। ऐसे में सूडान भी यहां पर कूद पड़ा, क्योंकि सूडान को भी पानी जो है, जो नील नदी का पानी है, वो अफवाह क्षेत्र में आता है। बात की जाए तो नील जो है वो अमेजन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। नील नदी जो है ये दो नदियों से मिलकर बनती है, ब्लू और व्हाइट। आप बात करते हैं तो अब हाल फिलहाल वो जो मामला 2011 से चल रहा था उसका अंत होने पर आ गया है और तीनों देश में एक समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। कहा गया है कि जो डैम बनेगा उसका अकेले प्रयोग आप नहीं करेंगे, इथोपिया अकेले प्रयोग नहीं करेगा, बाकी सभी तीनों देश जो है वो इसका प्रयोग करेंगे। तो इथोपिया, तीन देश इथोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ज्वाइंट इथोपियन रेंसस डैम के संबंध में एक समझौता हुआ है। यह डैम केवल इथोपिया द्वारा अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। नील नदी की ये दोनों सहायक नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिल जाती हैं, जहां से द ग्रेट नाइल का जन्म होता है। व्हाइट नील और ब्लू नील दक्षिणी सूडान और इथोपिया की तरफ से बहकर खार्तूम के उत्तर में आपस में मिलने से पहले ही सूडान में प्रवेश करती है। खार्तूम से यह नदी नीचे की तरफ बहती हुई इजिप्ट में जाती है। वर्ष 2011 में जब इथोपिया ने ब्लू नील पर यह डैम बनाना शुरू किया था तो इजिप्ट ने इसका तुरंत विरोध किया था, क्योंकि ब्लू नील जो इथोपिया में ताना लेक से निकलती है नीचे की तरफ बहती हुई सूडान से मिस्र तक जाती है। इजिप्ट जो ताजे जल के लिए नील नदी पर निर्भर है, उसने अनुमान लगाया कि यह डैम बनने पर 55.5 बिलियन क्यूबिक मीटर जल संसाधनों का वार्षिक हिस्सा रुक जाएगा और उसे पीने के पानी की कमी हो सकती है। थोड़ा स्थिति देखते हैं। यह रहा आपका इथोपिया, इसके नीचे युगांडा और इसके नीचे यह है महान अफ्रीकन झील जिससे निकलती है आपकी व्हाइट नील यानी कि सफेद नील नदी, और यहां से निकलती है नीली नील नदी। यह है ताना लेक या लेक टाना भी इसे कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 4,132 मील यानी कि 6,650 किलोमीटर है। नदी के अफवाह बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 12,93,000 वर्ग मील है। नील नदी बेसिन तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सूडान और मिस्र में विस्तृत है। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां व्हाइट नील और ब्लू नील है। व्हाइट नील का उद्गम जहां मध्य अफ्रीका के महान अफ्रीकी झील से होता है, वहीं ब्लू नील का उद्गम इथोपिया की लेक टाना से होता है। और इसी इस ब्लैक वाले पोर्शन पे यहां पर डैम बनाने की बात हो रही है। अगर डैम बन गया तो ब्लू नील का जो पानी है वो ऊपर तक नहीं जा पाएगा या आगे तक नहीं जा पाएगा, इसकी चिंता इजिप्ट को है, जिसकी वजह से लगभग 9 सालों से ये विवाद चल रहा था। लेकिन अब ये विवाद सुलझ रहा है कि तीनों देश जो है वो इसका इस डैम का प्रयोग कर पाएंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि द ग्रेट रेंसस डैम जो है वो किस नदी पर बनने वाला है? नील नदी पर बनने वाला। किन तीन देशों से जुड़ा हुआ है? इथोपिया, सूडान और मिस्र। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। पीसी महल
नोबिस का नाम आपने सुना होगा, भारतीय सांख्यिकी जनक का जनक माना जाता है इन्हें। इनकी जन्मतिथि पर हम हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालब नोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी भूमिका के बारे में युवाओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। भारत सरकार ने आर्थिक नीति और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। तो भारतीय नौसेना ने 26 जून को एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच का शामिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल को गठन को मंजूरी दी है, जिसके पहले चरण के दौरान 5 बटालियन बनाई जाएंगी। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अपने राज्य में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए संयुक्त राज्य द्वारा सम्मानित किया गया है, तो वो है केरल, के शैलजा। हाल ही में 36वें एशियन समिट की अध्यक्षता किस देश ने की है? वियतनाम ने। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संकल्प पर्व के दौरान खासतौर पर कितने वृक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? 5 वृक्षों पर। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 6 राज्यों के 116 जिले। भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। इथोपिया, इजिप्ट और सूडान के बीच 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के ज्वाइंट इथोपियन रेंसन डैम के संबंध में एक समझौता अभी हाल ही में किया गया, जिससे 9 साल पुराना विवाद समाप्त हो गया। अब बारी है क्विज की। भारतीय नौसेना ने 26 जून को एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को शामिल किया है, तो किसने किया है? इंडियन नेवी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पहले चरण में इस बल की 5 बटालियनों का गठन किया जाएगा। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अपने राज्य में कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है, तो वो है केरला की के शैलजा। हाल ही में 36वें एशियन समिट की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो वियतनाम। एशियन की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें 10 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संकल्प पर्व के दौरान खासतौर पर कितने वृक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? तो 5 वृक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, बरगद, पीपल, अशोक बेल। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो अभी हाल फिलहाल पहले चरण में इसकी शुरुआत बिहार से की गई है। बिहार के किस जिले से की गई है वो आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है। और 6 राज्य इसमें शामिल है। भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को पीसी महाल नोबिस के जन्मदिन पर, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इथोपिया, इजिप्ट और सूडान के बीच 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल के ज्वाइंट इथोपियन रेंसस डैम के संबंध में एक समझौता हुआ है, तो ये सूडान के साथ हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।